चौकीदार कहाँ गए थे? क्या कहाँ गए थे? अरे साहब, आप तो जानते हो हर वक्त हम दौरे पे रहते हैं। आपके कहने मुताबिक हर वक्त इधर उधर देखभाल किया करते हैं साहब। कोई बात नहीं, दारू बनाता कोई शराब बनाता है। सर तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम हवलदार अर्रा बोर और पहलन डोलन मौका पान बेलन। कितना लंबा नाम है। चलो कोई बात नहीं अर्रा बोर, तुम्हें मालूम है कि ये सूरजगढ़ है। हाँ साहब। और इस सूरजगढ़ के थाने का चार्ज हमारे पास है। यस साहब। और इसी सूरजगढ़ में हमारी बहन गंगा ब्याही हुई है। हाँ साहब, आप तो कहा करते थे कि सूरजगढ़ में आप धर्म की बहन की शादी हुई है। क्यों नहीं? लेकिन साहब, आपने अपनी बहन से कभी मिलवाया नहीं मुझे। साहब घबराइए नहीं अर्रा बोर, हम शीघ्र ही बहन गंगा के घर चलने की तैयारी करते हैं। साहब ड्यूटी के साथ साथ हम गंगा बहन के घर भी घूमेंगे और वहां के समाचार भी मिल जाएंगे। साहब क्या बात, आप हमको ऐसा वैसा मत समझना साहब। जैसे जैसे आपकी मत ऐसे मेरी माँ साहब। अरे नहीं अर्रा बोर, हम तो बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। जैसे आपके पिता तैसे मेरे पिता। वो तो बात सही है। जैसे आपकी बहन तैसे मेरी बहन साहब। हाँ क्यों? जैसे आपकी औरत तैसे मेरी औरत साहब। पागल हो गए हो अर्रा बोर, क्या कह रहे हो? या बात तो कोई बात नहीं करे। चलो चलो की तैयारी करो सब। सब 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 क्या पूछना चाहता है चौकीदार? तुम भी पूछ लो। अर्रा बोर क्या बात चौकीदार साहब? बहुत दिन से मैं आपसे पूछना चाहता था मगर मौका नहीं मिला। अरे ये बताइए कि ये साहब आपके हाथ में क्या हो गया है? अरे चौकीदार ये मत पूछो। क्या हुआ? आज दो महीना हो गए ये मेरा हाथ सोलह फालिश में गिर गया। अरे साहब आप ऐसी बात कहते हैं कि आपके हाथ में फालिश गिर गया? नहीं, ये साला हाथ ही फालिश में गिर गया है। दवा पानी नहीं किया था? दवा तो करते हैं साला, अच्छा ही नहीं होता कभी कभी साला। चलिए साहब हमारे गांव में दवा मिलती है, आपको दवा हम। चलिए बड़े साहब आज हम आपके बहन से मुलाकात करते हैं। चलिए अर्रा बोर आइए। चलिए चौकीदार देखो यहाँ के लोगों को बता देना। क्या बता देंगे? ये जो छोटे कास्ट के आदमी है। हाँ जी बता देना। खूब मोहब्बत फुलवे, खूब दारू बनावे, खूब दारू बनावे, खूब पिए, भागे मुते। लेकिन अर्रा बोर का हफ्ता हफ्ते में पहुँच जाना चाहिए। हम तो हर वक्त आया जाया करते हैं, सबसे ही बात पूछते हैं। वो साहब अगर से हफ्ता ना दिया तो? अगर हफ्ते में हफ्ता ना मिले तो चार बोतल दारू लेके चले आना। वो भी ना दे तो साहब तो उनके फटेगा के बांध चला। अरे बेचारे भूखों मर जाएंगे साहब। ठीक हम चल तो यहाँ का देखभाल करो। ठीक 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 जाइए आप। आज बहुत दिनों के बाद हमें वक्त मिला और हमने आज कमरा खोल के देखा तो उसमें ठाकुर साहब जयराम जी की। जयराम जी की अब तो हम ड्यूटी पर गए। अच्छा ठीक है ठीक है, आप यहाँ भी काम करेंगे और थाने भी काम करेंगे। ठीक बढ़िया काम। ठाकुर साहब एक बात में। वो कौन सी बात है? एक बात मैंने आपसे जब आपके बेटी की शादी हुई तब मैंने आपसे एक बात बताया मगर याद है नहीं यार। हमने बता दिया था कि आपकी हवेली के पीछे वाले कमरे में काफी दहेज भरा हुआ है। हाँ तो बात सही भाई, आज हमने ताला खोला देखा तो पूरा कमरा भरा पड़ा हुआ। और यही बात ठकुराई कहती थी कि दहेज नहीं मिला और आप भी कहते तो कुछ मिला नहीं। ठीक है अब हमारी जिंदगी ऐसा आपसे कट जाएगी। अरे क्यों नहीं ठाकुर साहब, आप बैठिए आराम कर लीजिए। क्या हुआ ठाकुर साहब?
डर गए, मुझे अचानक देख करके डर गए क्या? सरदार जी आप अचानक आ गए ना, तो इसलिए थोड़ा घबरा गए। हाँ अरे चबर चबर किया तो जल्दी ना रख करता तू, याद रखो तेरी बात। लेकिन सरदार जी बात क्या है? बात यह है ठाकुर साहब, जब कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ती थी किसी का फोन करने के लिए, किसी से पैसे रखने के लिए, तो हमेशा मंगल सिंह को याद किया करते थे। और आज तुमने अपने बेटे की शादी करी और मुझे निमंत्रण नहीं दिया, ठाकुर मंगल सिंह को निमंत्रण नहीं दिया। नहीं सरदार जी, ये आप गलत सोच रहे हैं। हमने कार्ड भिजवाया था, हो सकता है कोई इंसान डर के मारे आपके पास तक न पहुंच पाया हो। अबे अड्डा होगा। हाँ जी देखिए, गलत नहीं जैसा कुछ है, पीछे हटो, पीछे हटो, हम जरा इसी सेवा करते हैं, इधर आओ, मैं कहता हूँ इधर आओ। ये कहाँ गए थे आप? अड्डे नहीं, फिर से बोले जो पहले बोले थे। बचपन में हम काफी गुरखा ले इसे जवान लग जाती है, लग जाती है। याद रखो किसके सामने बात करते हो, दो गज जमीन के नीचे जितना दम तुम्हें हराम जाते हो। दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो याद रखना, पीछे हटो। ठाकुर साहब आपने कहा मैंने निमंत्रण भेजा, आप जब किसी भी इंसान को मेरे पास भेजते थे वो सीधा मुझसे आकर से मुलाकात करता था, लेकिन ना तो मेरे पास कार्ड पहुंचा है और ना ही तुम्हारा कोई हक भी गया है। अब आदमी ने आपके सामने गवाही दिया, लेकिन अब वही ना था तो किसको देके चला है बेचारा? कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन ठाकुर साहब इस समय मेरी भी तिजोरी खाली है, मैं चाहता हूँ दहेज में इतनी रकम मिली है। ठाकुर शादी धूमधाम से हुई, हाँ आज सब काम अच्छी तरह से हुआ, दस लाख मिले हैं दहेज में। 10 लाख रुपए? यानी तुमने दहेज में तुमने 10 लाख रुपए लिया? हाँ तो तय हो गया था ना पहले, तो उसमें मेरा भी तो हक बनता है ठाकुर। अरे ये तो घर की बात है, 10 लाख की क्या बात है? हाँ तो ठीक है, देर मत करो, वो पूरे 10 लाख रुपए अभी मंगा लो। लेकिन ठाकुर सरदार जी वो पैसे खर्च भी हो गए। खर्च हो गए? साथियों मेरे बंदो से डर लाओ, सुनिए सरदार जी, ठाकुर ऐसे पैसे नहीं देगा। जरा सुनिएगा उसके बाद बोलिए बोलिए। ठाकुर बलवंत सिंह मेरी बिल्ली मुझी से गया हो, मैंने तुम्हारे तुम्हें सारे पैतरे सिखाए और मुझको ही आज तुम रास्ता बताने लगे। हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है, एमपी मेरे साहब सब लोग आए और बोले अरे बलवंत सिंह तुमने शादी किया है अब पार्टी करो, तो हमने हाईवे 4 होटल में पार्टी कर दिया और बहुत सा रुपया उसी में खर्च हो गया। कोई बात नहीं, ये पैसा तो दहेज का खर्च हुआ ना। हाँ हाँ अपनी तिजोरी से 10 लाख रुपए मंगा। ठहरो अपने आदमी को भेज दो, जो तुम्हारा खास हो
जाए। हाँ चाबी दे देते हैं, लो चाबी लो साधे बेरा सिंह, लो चाबी तिजोरी की और जाओ तिजोरी से जो भी माल हो सारा का सारा माल उठाकर के ले आओ। सरदार जी हाँ अपने आदमी से कह देना कि थोड़ा माल छोड़ देंगे क्योंकि मेरे बीवी बच्चे हैं ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम फिर सेवा करेंगे, जब भी तुम्हें जरूरत होगी हम आकर के तुम्हारी इमदाद करेंगे। ठीक है ले आए बलवंत सिंह। क्या बात है, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, जब भी मुझे याद करोगे मैं हमेशा तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा और माल फिर इकट्ठा करना उसे लेने के लिए फिर आऊंगा। मैं चलता हूँ, जय राज की जय। साथियों जय मां भवानी। जमींदार साहब ये साले चोर खा दिन कहां से जाकरों से व्यवहार आपने बना लिया। अरे क्या बताया, तिजोरी की चाबी आप न दे देते तो आपको भी मार देते और हमको भी मार देते। अरे वो तो अच्छा किया ठाकुर साहब, जैसे यहाँ से तिजोरी की चाबी लेंगे पूरी तिजोरी खाली करके भेज। कोई बात नहीं यार, फिर भर जाएगी। अरे जा हमारे बेटे रंजीत को बुला लाओ, 10 लाख गया तो गया, अब दिमाग से 20 लाख आना चाहिए। रंजीत भैया बुला, हाँ जा बुला के लाओ। क्या बात है दादी, दादी आपकी आंखों में आंसू। हाँ बेटे आज ऐसा मन भी कुछ हो चुका है। क्या हो गया, तिजोरी में 10 लाख रुपए से चले गए, कुछ न कर सके। अब यही कहना है कि 10 लाख गए तो गए, लेकिन अब दिमाग द्वारा 20 लाख लाने की कोशिश करो और ध्यान से सुनो मेरी बात। कहिए दादी क्या कहना चाहते हो। और ये तन कोई करो बचा, और ये तन कोई करो बचा कि दौलत हाथ आ जाए। तिजोरी में 10 लाख रुपया अगर निकल गया है तो पैसा आना चाहिए। दादी फिक्र मत करो, एक मैंने अपने दिमाग से आइडिया सोचा है कि 10 लाख गया है तो 20 लाख की व्यवस्था हम कर लेंगे। बोलो बेटे कौन सा आइडिया है। तो एक ही स्कीम सोचा है कि अपना काम बनता जी की हवेली जो हमारे नाम होता है। ससुर जी की हवेली, हमारे ससुर के पास हवेली है। क्या मतलब उससे, अगर वो बेच डाली जाए तो 50 लाख की है वो, तो कैसे बिकेगी वो। मैं अपनी पत्नी को झूठ मूठ का प्यार दिखाएंगे, झूठा प्यार। अच्छा ऐसा जाल बिछाएंगे कि हमारी पत्नी उस जाल में फंस जाएगी। हाँ? और फिर वो हवेली को बिचवा कर 20 लाख रुपए मंगाएंगे। फंसा कर चाल बाजी से और करूंगा गंगा को राजी, और पिताजी देख लेना पूर्व, और पिताजी
नैनापुर ये सब अरमान होगा। नारे भाई साहब झजैन वासी 50 रुपया घरवाली को व्यवहार मैं अपनी पत्नी को ऐसा फंसाऊंगा ऐसा बहकाऊंगा कर दूंगा मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई है। अरे बाप रे लालच दूंगा और भेज दूंगा उसके बाप से हवेली बिछवा कर 10 लाख गया है तो 30 लाख मंगवाऊ बन गए। जितेंद्र गुरु का प्रवास 100 रुपया व्यवहार है पानी शुक्रिया। अगर जैसा करोगे बेटे कुतिया हम सब मनाएंगे और तुम्हारी मम्मी का बेटे। मैं अपनी पत्नी को ससुराल भेज अपने उसके मायके भेजकर अपनी ससुराल से पैसा मंगा कर और आपके हाथों में रखूंगा। 10 लाख गया तो गया हमें 20 लाख चाहिए हमें 20 लाख चाहिए 20 लाख। मैं अपनी मम्मी और डैडी को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस गांव में आग लगा सकता हूँ किसी को भी लूट सकता हूँ लेकिन सबसे पहले हम अपने ससुराल से पैसा मंगाएंगे अपने मम्मी डैडी का दिल खुश रखेंगे। चलता हूँ अपनी प्यारी प्यारी दुल्हनिया से आज प्यार से बात करेंगे अगली फिल्म इस प्रेजेंट है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना तो स्वामी जी ना तो कोई फैजाबादी इलाहाबादी कोई नहीं है। मैं स्वामी जी के आने का इंतजार करती हूँ वो जरूर आएंगे। चेहरा उदास क्यों है क्या बात है कुछ बता नहीं रहे भैया। हाँ स्वामी जी क्या बताऊं आज मैं क्यों उदास हूँ। सोचता हूँ कि लोग शादी करते हैं और अपनी दुल्हन के साथ कितना प्यार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक मैं हूँ कि जब से शादी हुई है तब से पति और पत्नी में झगड़ा ही शुरू रहता है। स्वामी जी लेकिन बात क्या है इतना उदास क्यों। आज मैं सोचता हूँ कि आज भर के अपनी पत्नी को प्यार करूंगा और अपने सीने से लगाऊंगा सारी गलतियों को। लेकिन प्यारी मुझे नौकरी अमेरिका में मिल गई है। हाँ अब वहां जहाज से जाना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है स्वामी जी आपको नौकरी मिल गई आप कमाएंगे अच्छा सा बदला बनेगा। लेकिन क्या बताऊं जाने के लिए पैसे नहीं है तो इसमें सोचने की क्या बात है। चलो पिताजी से कहकर पैसे ले लेते हैं। वो क्या है ना पिताजी से कहने में थोड़ा डरता हूँ इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ इधर आओ। तो हमें Thank you.
स्वामी जी इधर आओ, तुम तो हमारी पत्नी हो और हर पत्नी अपने पति का दुख बांट लेती है, तो तुम करो व्यवस्था इन रुपयों की जल्दी, तो समझो तुम तो प्राणो की और मैं आप 20 लाख रुपए की बात, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही स्वामी, मैं कहां पहुंचाऊं और कहां से पैसे लेकर के आऊं इतने, यही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि 20 लाख रुपए की मुझे जरूरत है और तुम 20 लाख रुपए अपने मायके जाओ, हाँ, और अपने डैडी से कह दो कि डैडी तुम्हारे दामाद ने 20 लाख रुपए मांगा है, क्योंकि उन्हें नौकरी मिल गई है। क्या कह रहे हैं आप? अरे आप तो जानते हैं कि मेरी शादी में पिताजी ने पाई पाई लगा दी और आप पैसों की बात करते हैं। पिता के खर्चा में तो शादी किया, लेकिन अभी तुम्हारे बेटी के पास हवेली है ना, अगर हवेली 50 लाख की बिक जाएगी उसे बेटी से कहकर पिछवा दो और 20 लाख लेकर आ जाओ, कितनी अच्छी बात हो। स्वामी जी अगर मैं जाऊंगी मेरे पिताजी मेरा हाल देखकर अपनी हवेली जरूर बेचेंगे, नहीं अगर अपनी हवेली बेच देंगे तो कहां रहेंगे वो बाप, तेरा बाप सब कुछ हो गया और पति कुछ नहीं, वो हराम प्राणी पति की
रब की सजा दे कहे प्राणपति इससे अच्छा मेरी जान ले ली इन हाथों में नहीं देखा तो साली जानती है तेरा क्या हाल करूंगा कि तीन दिन में अगर रुपए ना मिले तो खान तेरे बदन की उड़ा दूंगा तुझे रहना मैं कहने अगर तू तीन दिन में पैसे लेकर नहीं आई अपने मायके से तो यह रंजीत सिंह तुझे छोड़ देगा, अपनी हवेली से निकाल देगा और दूसरी शादी रचाएगा। स्वामी जी आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं चाहूंगी मैं जरूर जाऊंगी, मैं पैसे लाऊंगी स्वामी जी। ठीक है, अगर तू पैसे लाएगी तभी तुझे हम जी भर के प्यार देंगे, अगर पैसे नहीं लाएगी तो लात मार कर वरना काट कर फेंक दूंगा। ये लोग मुझसे प्यार नहीं बल्कि दौलत से प्यार करते, इन्हें पैसे से प्यार है, लेकिन मुझे मेरे पिताजी और मेरे भैया भी मुझसे मिलने नहीं आए, मैं कहाँ जाऊँ किसके पास। या भगवान आज मेरे भाई से मेरी मुलाकात करा देना, करा देना भगवान। कि चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, ओ मेरे बिना से कहे ना बहना यारी करे। दरोगा जी,
क्या काम है, किससे मिला है? साहब देखे कोई और साहब बात करिए। किसकी हवेली है? ये भगवान जी की हवेली है। भगवान जी की जी हाँ। वहीं से अरब बहुत सही अंडे पर आए हैं। बहुत सही अंडा पर आए हैं। अंडे पर नहीं सही बच्चे पर। अरे अंडे पर बोलो, एक तो ना बोलना है तो मत बोलो। किससे मिलना है ये बताइए, तुम्हारे घर के और सदस्य कहाँ हैं? मेरे ससुर जी लखनऊ से रूरी मीटिंग में गए हैं और मेरे स्वामी जी अभी अभी मार्केट गए हैं। मेरी माँ महल में आराम कर रही है। लेकिन ये बताइए कि तुम्हारे मायके में कौन कौन रहते हैं? मेरे मायके में मेरे बाबूजी, मेरे भैया रहते हैं। और इस सपातों को क्यों पूछते हैं? अरब और ये सब क्या है, किससे मिला है? इसे देख रहे हैं, सूत्र काटा हो गई है, कहिएगा। और मुझे पहचान नहीं पा रहे। मेरे भाई को कुछ हुआ तो नहीं? मेरे भाई की खबर लाए हो, मुझे बताओ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा भाई कैसा है? दरअसल तुम अपने भाई को पहचान नहीं रही है। और पहचानोगे भी कैसे, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा भाई पुलिस की वर्दी में है। क्या तुम मेरे भाई हो भैया? हाँ बहन गंगा। भैया और मैं क्या देख रहा हूँ, सुख कर काटा हो चुका है। भैया गंगा
नहीं ले पाऊंगी। बहन ऐसा मत बोल बहन, कौन माता तुझे बता चले भाई, एक मामूली आकाश नहीं रहा, एक इंस्पेक्टर है और तेरी हर तरह से मदद कर रहा बहन। और मदद हो सकेगी, मदद हो सकेगी जहां तक करूंगा। अगर तुम्हारी सासू मार हुई तो आने दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आज तुम्हारी सासू माँ को भी समझा देंगे। एक तरफ कानून और एक तरफ रिश्ता। मुंशी अल्लाह इस समय हमारी बहन ने मुझे अपनी राखी का वास्ता दिया है, इसलिए कानून को बरकरार रखते हुए और फर्ज को भी बरकरार रखते हुए इस समय यहाँ से हमें चले जाना चाहिए। लेकिन बहुत जल्द तहकीकात करने आऊंगा बहन, और तेरी सासू माँ से भी बात करूंगा और तेरे पति से भी बात करूंगा। ठीक है, शर्म ऐसी बहन। हाँ? हम लोग कोई काम सौंपे तो राखी की कसम दे देती क्या करूँ भैया, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन यहाँ धर्रा बोर यहाँ से नहीं जाएगा। ऐसा मत करो, आगे अपनी आगे साली को, आज साली आ गई ना मेरे सामने, यही राखी शेर के साली के 6 महीने बाद निकालूंगा। और जो उसके साथ साला फड़ुआ है ना, उसको साला कैसी मार मारूंगा, टट्टी की जगह पेशाब, पेशाब की जगह टट्टी डाले। जाता हुआ है, बहुत जल्द आऊंगा, घबराना नहीं। तेरी सासों का चौंतरा फुला दूंगा साली। कमीनी कहे की कौन था? माँ मेरे भैया थे। हाँ माँ तेरे भैया थे। हाँ। तेरे सैया थे रे हरामजादी। ऐसा मत करो की झूठा चले मैया लगा नहीं, झूठा मैया लगा नहीं, ऐसी बदनामी अपना सही जा।
कमीनी कहेगी, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, चौका बर्तन झाड़ू पोछा कौन करेगी उसे? अरे नहीं काम करती है हर जाने को। क्या करने? पैसे लाने। अरे मेरी बहू कितना पैसा लाएगी? 20 लाख माँ। अरे मेरी बहू फिर तो नहीं मारेगी कहीं? नहीं लगा नहीं माँ। मेरी बहू मेरी बेटी है कहीं लगा तो नहीं? नहीं माँ। अब मैं नहीं मारूंगी। कितना पैसा लेकर आएगी? 20 लाख। 20 लाख जल्दी लेकर आ, ठीक है ना? या भगवान जैसे मेरी सासू माँ है हर बहुओं को मिले, देखो मुझे कितना मानती है। ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे तो तालेबर हो जाओगे और पैसे वाली हो जाओगे। सही कहते हो। 20 लाख ले गए भाई। इसीलिए मैं कहती हूँ क्या? अरे कसम हमारी मचलती हुई, कसम मेरी सत्य सत्यानाश प्रकाश। अरे कमल खिल जाए, अरे वाह तो नदिया